आगामी बजट की तैयारियों को लेकर दुर्ग निगम महापौर द्वारा 60 वार्डों के पार्षदों का 4 जोन में अलग अलग बैठक आहूत कर सभी से शहर विकास कार्य को लेकर राय जानी गई। बुधवार को हुई बैठक में विपक्षी पार्षदों सहित कांग्रेस पार्षद MISC प्रभारी ने भी अपनी पीड़ा महापौर के समक्ष रखी। दुर्ग नगर पालिक निगम महापौर धीरज बाकलीवाल द्वारा आयोजित जोनवार बैठक बुधवार को डाटा सेंटर में महापौर धीरज बाकलीवाल ने निगम आयुक्त हरेश मंडावी की मौजूदगी में और सभापति राजेश यादव, MISC सदस्य अब्दुल गनी, संजय कोले, दीपक साहू, हमीद खोकर की उपस्थिति में ली। बैठक में महापौर ने चारों विभाग के कार्यों की स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही पार्षदों से सुझाव से जुड़े सुझावों पर अधिकारियों को समय रहते कार्यों को प्रस्ताव तैयार कर बजट में शामिल करने के निर्देश दिए। महापौर धीरज बाकलीवाल ने बुधवार को जोन 3 के पार्षदों और अफसरों की समीक्षा बैठक वार्डवार से बैठक ली। पार्षदों से चर्चा करते हुए शहर के वार्डों की समस्याओं को सुना। वहीं बैठक में उपस्थित विपक्षी पार्षदों सहित कांग्रेस पार्षद MISC प्रभारी ने अपनी पीड़ा सार्वजनिक कर महापौर से शहर विकास की बह रही धारा में अपने वार्ड के कार्य को कराए जाने की गुहार लगाई। तो वहीं कांग्रेस पार्षद मदन जैन ने भूमि पूजन के लिए कार्यों को लॉलीपॉप दिए जाने की बातें कहीं। पार्षद अरुण सिंह ने विकास कार्यों को शून्य बताया तो पार्षद शिवेंद्र बहादुर ने कहा कि बैठक के नाम पर सिर्फ हंसी मजाक किया गया। इस संबंध में न्यूज टीम को पार्षदों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। काल के चलते पैसा नहीं आया था, लेकिन अभी आश्वासन मिला है कि अप्रैल महीने से पैसा आना शुरू हो जाएगा, वार्ड में विकास दिखेगा। तो अभी तक क्या लगता है, शहर में विकास है कि नहीं? विकास है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। आपकी वार्ड की क्या स्थिति है? मेरी वार्ड की स्थिति अभी बहुत दयनीय है। क्यों इसलिए दयनीय है, क्योंकि जिस समय अभी पाइपलाइन बिछा तो जितना बना हुआ रोड और नाली था वो पूरी तरह से टूट गया, उसको बनवाना बहुत जरूरी है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी एक औपचारिकता की गई। जब मार्च का महीना आता है तभी महापौर जी को सारे पार्षद याद आते हैं, और आज फिर हम याद आए उनको, हम सबको बुलाया गया। उसको बैठक कहना मेरे हिसाब से औचित्यहीन होगा। किसी प्रकार की कोई बैठक नहीं थी, ना तो कोई गंभीरता महापौर में थी, ना संबंधित कार्यों में थी। हम लोगों ने अपनी बात को रखा और हर बात को हंसी में उड़ा दिया गया। बहुत विकास हो रहा है, शहर चारों तरफ बहुत सुंदर दिख रहा है, आगे भी विकास होगा, यही लोग लुभावनी बातें की गई। वास्तविकता क्या है ये पूरी शहर की जनता देख रही है। पिछले 3 वर्षों में हम लोग पक्ष के विपक्ष के यहाँ तक के MISC मेंबरों ने भी आज जिस तरह से अपने अपने वार्ड में विकास कार्य ना होने का रोना रोया, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि यह निकम्मी परिषद सिर्फ वादे करती है और समय आने पर सिर्फ हमको बुलाकर चाय नाश्ता देकर हाहा ही नहीं करके गिरा करती है। दो सालों में जिस प्रकार से बिल्कुल बनाकर निर्वाचित पार्षदों के साथ खेल खेला जा रहा है, उसकी बैठक की लोगों के पार्षदों के द्वारा इंजीनियर को लेकर वार्डों में घूम कर प्रागलन बनाए गए। उन प्रागलन में पिछले 2 साल कोई काम नहीं, और जिन कामों को ये महापौर प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं शहर में हम कर रहा हूँ, सरकार के काम है, नगर निगम के द्वारा प्रस्तावित कोई कार्य कर रही है। भूमि पूजन की करने की आवश्यकता के काम की अगर आपकी इच्छा है तो पहले काम को समाप्त करो, मोहल्ले के लोगों के साथ बाजे बाजे चाहिए लोकार्पण करो। ये लाली पाप दिया जा रहा है भूमि पूजन, कि कोई काम का कोई माई बाप कोई पता नहीं है कि वो ठेकेदार काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा। लोगों के पास 2 साल पुराने वर्ग अगर पड़े तो काम चालू नहीं का औचित्य अभी तक तो कोई नजर नहीं आया, क्योंकि आगे सामान्य सभा है, हम वहाँ पे अपनी आवाज़ उठाएंगे, कुछ बातें रखेंगे, बोलेंगे, चिल्लाएंगे, तो वो कुछ हद तक उनको वहाँ आसानी हो जाए। और आज यहाँ भड़ास निकाल लें इस तरीके से आज यहाँ बैठक थी, तो जितने दिनों में तो मुझे लगा नहीं कि बैठकों का कोई मतलब निकलता है, देखते हैं। जिस तरह विकास कार्य को लेकर चर्चा की गई है, क्या लगता है कि शहर में हो रहा है विकास कार्य? विकास कार्य शून्य, इस शहर में आप भी रहते हैं, शहर से आप भी गुजरते हैं, एक एक गली में शून्य है। पर हाँ, अब इनका 3.5 साल 4 साल बीत गया है, अब पैसा देंगे क्योंकि इनको वापस आना है। राज्य सरकार को जो 2004 का पेंशन बनता उनको पेंशन दे के या जैसे भी पैसा रुका दे के किसानों को दे के वापसी करना चाहते हैं, ये तब तक वापसी नहीं कर पाएंगे जब धरातल पर जो स्थिति खराब है उसको सुधारना है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।